भाजपा प्रत्याशी कुलजीत कौर ने आज कमरुद्दीन नगर में पदयात्रा की। यात्रा के दौरान लोगों ने भरपूर सहयोग और दान दिया और कहा कि पिछली बार नया प्रत्याशी होने के कारण कुछ कमियां रह गई थी, परंतु इस बार कुलजीत कौर को भारी मतों से इस कमरुद्दीन नगर से जिताकर भेजेंगे। देखिए इस चुनावी हलचल में किसका पलड़ा भारी है और किसका हल्का। बहुत भारी बहुमत से हम आने वाले हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई बहन सब ऐसे लगे हुए हैं जो हमारे लिए तो एक त्यौहार मचल रहा है। ये जी ये हमारे लिए एक त्यौहार है ये, और हम बहुत बहुमत से जीत के आएंगे और अपने क्षेत्र के निवासियों का काम करेंगे और उन सब की जो हम लोगों से आशाएं हैं भारतीय जनता पार्टी से हमसे, वो जरूर पूरी करने की कोशिश करेंगे। ज्योति वरायण सिटी में आप लोग आने वाले हो तो कुछ नई योजना भी लेके आओगे ताकि पब्लिक का ज़्यादा भला हो सके। प्रधानमंत्री जी की इतनी योजनाएं हैं जो जन जन तक पहुँच ही नहीं पा रही, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन योजनाओं को हम जमीन पर ला के अपने भाई बहनों की मदद कर सकें, हर ढंग से कर भी रहे हैं और अच्छे लेवल पे करें। जी इसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने एमसीडी को फंड ही नहीं दिया तो कर्मचारियों को तनख्वाहों की दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब जो एमसीडी का एकीकरण हुआ है उससे फंड अब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट एमसीडी में देगी और एमसीडी आराम से कर्मचारियों को वेतन दे पाएगी। इसमें दिल्ली सरकार की इन्वॉल्वमेंट अब नहीं होगी, तो इस चीज़ के लिए ही मतलब जो कर्मचारी परेशान है या आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता परेशान है, ये समस्या दूर होगी। देखिए पिछली बार भी हमने पूरा संघर्ष किया था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के इनको मैदान में उतारा है, क्योंकि पिछले 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने ना तो पूरी दिल्ली में कुछ काम किया है और उनके जो निगम पार्षद थे ना वो तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट रहे हैं और भ्रष्टाचार में उन्होंने सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और हमको इस बार पूरी नहीं बल्कि पक्का विश्वास है कि इस बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी अपनी ये सीट निकालेगी और इस क्षेत्र का विकास करेगी। माहौल है, अगर गांव की बात की जाए, कुमुदी नगर की बात की जाए, किस प्रकार का माहौल है? पक्का सिंह साहब, कुलजीत जी पिछली बार रह गई थी, इस बार कितनी उम्मीदें हैं? अब की बार 101% उम्मीद है, उम्मीद नहीं है, मतलब पूरे हम जीते पड़े हैं, क्योंकि हमारे जो खोखले प्रचार नहीं है, हमने सेवा ही विचार है, हमने सेवा की है। 5 साल कुलजीत जी ने बहुत सेवा की है, 6 साल, और उम्मीद पे तो कहते हैं कि दुनिया कायम है, पर हम पूरे इस बार जीते पड़े हैं, हमें कोई हराने वाला नहीं है। माहौल तो बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए, क्योंकि थोड़ा बदलाव भी ज़रूरी है। जनता को जो सहूलतें मिलनी चाहिए, जो हमारे अपने इलाके को मिलनी चाहिए, उसके लिए जो हमारे कैंडिडेट हैं, क्योंकि जो गुरजीत कौर हैं उनके समर्थन में पूरा गांव और पूरी हमारी कॉलोनी उनके हक में है।